नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में। इसी को हम बोलते हैं एक्यूट एग्जर्जरेशन ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, मतलब कि एक्यूट एस्थमा का अगर अटैक आता है तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हमको थोड़ा सा जो है पैथोफिजियोलॉजी जानना होगा। जब ये जान जाएंगे तो हमारे लिए ट्रीटमेंट जो पार्ट को समझना आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करें। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर हम जिसको मालूम है कि हाँ ये ब्रोंकियल एस्थमा का पेशेंट है, उसका फैमिली हिस्ट्री भी है, वो रेगुलर मेडिसिन भी लेता है, जो मेंटेनेंस मेडिसिन होता है या कंट्रोलर मेडिसिन जो कि वो रेगुलर बेसिस पे ले रहा है, फिर भी अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा उसको अगर एक्सपोजर हो गया कोई एलर्जिक पार्टिकल से, या बहुत धूल धक्कड़ एरिया में फंस गया, या एक तरह से बोले कि जो है काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग कर लिया, या आसपास जो उसके लोग हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं और वो पैसिव स्मोकिंग का शिकार हुआ, या उसको वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस हुआ, या काफ़ी स्ट्रेस हुआ, या ठंडा कंडीशंस में कोल्ड वेदर, या ये सब चीज़ें जो हैं अस्थमा को ट्रिगर करती हैं, बढ़ावा देती हैं। तो भले ही वो मेंटेनेंस डोज ले रहा था, बट ये सब चीज़ों से अगर उसका फिर एक्सपोजर हुआ तो हो सकता है कि उसका बॉडी जो है हाइपर रिएक्ट करे, और हाइपर रिएक्ट करने के बाद जो है कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो है बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिंस हो गया, ये सब रिलीज होते हैं। और ये सब क्या कराते हैं कि जो है ब्रोंकोस्पाज्म कराते हैं, कि जो हमारा सांस की जो नली है, वो जो रास्ता है, एयरवे ट्रैक्ट है, ये सिकुड़ जाता है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही होता है कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। दूसरा है कि खांसी होगा, आवाज़ एक आएगा, जो आप सांस लेंगे या छोड़ेंगे तो एक आवाज़ आएगा, इसको हम व्हीजिंग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, मतलब इस पर्सन को एक्यूट एस्थमा का एपिसोड्स आया है, या हम बोलेंगे कि एक्यूट सीवियर एस्थमा हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो ट्रीटमेंट पार्ट जो होता है, जनरली दो तरह का जो मेडिसिन हम एस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, पहला होता है जो रिलीवर मेडिसिन, दूसरा होता है कंट्रोलर मेडिसिन। रिलीवर मतलब है कि एक्यूट हुआ है, अभी हुआ है एस्थमा का एपिसोड्स, सांस में उसको तकलीफ हो रही है, काफ़ी परेशान है, वो खांस रहा है, तो एक तरह से चेहरा वगैरह जो है उसका ब्लू हो गया है, काफ़ी पैनिक हो गया है, ये सब कंडीशंस में जो है हमको रिलीवर मेडिसिन देना होगा, उसको इंस्टेंट रिलीफ कराना होगा। और सबसे पहला चीज़ आप रिलीफ किससे कराएंगे? सबसे पहला चीज़ कि उसको सांस लेने में या छोड़ने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, इसीलिए जो है जो एयरवे जो है सिकुड़ गया है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, इसको हमको खोलना है। और इसके लिए सबसे पहला जो दवा हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो है बीटा टू एगोनिस्ट, जिसके अंदर आता है लीवोसाल्बुटामोल या सैल्बुटामोल। अब बीटा एगोनिस्ट में और भी है, लॉन्ग एक्टिंग भी है, बट इस कंडीशंस में खासकर जब एक्यूट एस्थमा हुआ है तो हमको ऐसी दवाइयां चुननी है जो बहुत जल्दी काम करे और बहुत स्ट्रांगली काम करे और साइड इफेक्ट भी थोड़ा कम हो। तो इसमें जो है बीटा टू एगोनिस्ट में जो है हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट चुनते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग नाम ही है, तुरंत जो है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, विद इन मिनट्स होता है, 5 मिनट के अंदर में हो जाता है। और जो है इसको हम इनहेलेशनल रूट से देते हैं। इनहेलेशनल रूट से है कि मतलब IV IM नहीं, डायरेक्ट जो है इनहेलर से देंगे या नेबुलाइजर से देंगे, तो इसी को हम बोलते हैं इनहेलर या इनहेलेशनल रूट से देते हैं। और तीसरा है कि इसका साइड इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोकल जो है इनहेल कर रहे हैं ना, आइदर हम जो है नेबुलाइजर से इनहेल कर रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं कि MDI मीटरडोज इनहेलर से इनहेल कर रहे हैं, तो ये लोकली लंग्स में जा रहा है, तो ब्लड में बहुत कम अमाउंट जाता है और साइड इफेक्ट काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसीलिए जो है ड्रग ऑफ चॉइस जो है हमारा बीटा टू एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होता है, जिसी को हम बोलते हैं साबा बोलते हैं, SABA, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ये जो है अब विद इन मिनट्स जो है काम करता है, और इसका काम है कि जो एयरवे ट्रैक्ट में जो आपका जो सिकुड़ गया है, जो ब्रोंकियोल्स ब्रोंकस ये सब जो सिकुड़ा हुआ है, खासकर जो अगर एक तरह से बोले कि लोअर एयरवे, मतलब नीचे के तरफ का, ऊपर नीचे लोअर एयरवे या स्मॉलर एयरवे जो है, इसको जो है ज़्यादा ओपन करता है। तो ओपन करेगा तो आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, आप सांस जो है फिर आपका कुछ हद तक नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी बहुत हद तक समस्या जो है मिट जाएगी। इसीलिए जो है अब इसमें से कौन सा देंगे, लीवोसाल्बुटामोल देंगे या सैल्बुटामोल देंगे? अब देखिए, सैल्बुटामोल जो होता है ये रेशमिक मिक्सचर होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो ये रेशमिक मिक्सचर है, मतलब इसका डी फॉर्म भी है, एल फॉर्म, मतलब सैल्बुटामोल एक मिक्सचर है, और लीवोसाल्बुटामोल जो है प्यूरिफाइड फॉर्म है, इसका प्यूरिफाइड फॉर्म है।
मतलब एक तरह से बोले कि ये आर फॉर्म है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि लिवोसाल्बुटामोल के साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं और जो सैल्बुटामोल से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर या पोटेंट भी होता है, तो बेटर है कि हम लिवोसाल्बुटामोल यूज़ करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि 0.63 अगर जो है लिवोसाल्बुटामोल जो है माइक्रोग्राम, तो वो इक्विवेलेंट होता है 2.5 मिलीग्राम के बराबर होता है सैल्बुटामोल के बराबर, इसीलिए हम लिवोसाल्बुटामोल देते हैं। अब कैसे देंगे, सैल्बुटामोल भी दे सकते हैं, बट कैसे देंगे तो हमारा मेनली जो चॉइस रहेगा वो है नेबुलाइजर मशीन के थ्रू, क्योंकि नेबुलाइजर मशीन के थ्रू क्या है कि कंप्रेशर के थ्रू जो है क्या होता है कि बैटरी ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड होता है, और जो लिक्विड होता है, जो नेबुलाइजर का लिक्विड, इधर सैल्बुटामोल या लिवोसाल्बुटामोल का जो लिक्विड है, वो लिक्विड को जो है वो मशीन जो है वेपोराइज कर देता है और मिस्ट के फॉर्म में आप इजीली उसको इनहेल कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो है इनहेलर के साथ क्या है, इनहेलर भी आप दे सकते हैं, मीटर डोज इनहेलर दे सकते हैं या रोटा कैप दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसमें आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। मतलब जब आप पुश करेंगे जो इनहेलर लेने के लिए, तो फिर आपको जो है हवा खींचना है कुछ देर तक जो है, फिर खींच के फिर मुंह को बंद रखना है, तो एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। बट नेबुलाइजर के केस में ऐसा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है, और बच्चों में ये कोऑर्डिनेशन जो है, हम बोले कि ऐसा तालमेल बनाओ कि इनहेलर लो तुरंत खींचो, तो ये सब थोड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चों के केस में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है नेबुलाइजर, और बड़ों में भी हम लोग जनरली ये देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉपर तरीका नहीं मालूम है कि कैसे इनहेलर यूज़ किया जाता है। तो बेटर है कि नेबुलाइजर से देंगे, कंटिन्यूस भी दे सकते हैं या इंटरमीडिएट 20-20 मिनट पर रुक रुक के भी दे सकते हैं। अब क्या होता है कि इसमें जो भी जो लिक्विड आता है उसको हम बोलते हैं रेस्प्यूल्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास पेशेंट्स आएगा, तो मान लीजिए हम ऑक्सीजन लगा दिए या नेबुलाइजर लगाएं, तो नेबुलाइजर का जो एयर का जो प्रेशर क्रिएट करता है वो अगर हम ऑक्सीजन के थ्रू कराएं तो और ज़्यादा अच्छा है, कि नेबुलाइजर भी जाएगा, वो लिक्विड का भी मिस्ट जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा, तो दोनों जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल नेबुलाइजर से ही काम चला सकते हैं। तो वो लिक्विड जो होता है उसको रेस्प्यूल्स बोलते हैं, रेस्प्यूल्स को आप तोड़ेंगे, तोड़ के जो नेबुलाइजर मशीन में डालेंगे और फिर ऑन करेंगे, तो वो जो लिक्विड है वो वेपर बन जाएगा, फिर आप उसको इनहेल करेंगे और तुरंत जो है एयर वे को ओपन कर देगा। और उसमें कौन सा यूज करेंगे, तो साबा यूज करेंगे, 100 एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। अब उसमें कौन सा है, लिवोसाल्बुटामोल और सैल्बुटामोल, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ। हालांकि साइड इफेक्ट्स, अगर आप बोलेंगे कि साइड इफेक्ट्स क्या है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी बीटा एगोनिस्ट, मतलब बीटा 2 एगोनिस्ट है ये, मतलब बीटा 2 एगोनिस्ट का मतलब है कि बीटा 2 ओपनर है ये दवाइयां, सैल्बुटामोल और लिवोसाल्बुटामोल। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी ड्रग्स बनता है, तो साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स जो कर रहे हैं, उनका सबसे आइडियल टारगेट होता है कि दवा जो है जो भी बनाए एक पर्टिकुलर टारगेट पे काम करे और बाकी जगह जो है काम नहीं करे, एक पर्टिकुलर टारगेट पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी एक दवा अगर हम बनाते हैं कि पर्टिकुलर टारगेट पे काम करे, तो अगर पर्टिकुलर टारगेट पे काम करेगा तो उसका एक पर्टिकुलर एक्शन मिलेगा, लेकिन वो दवा जो है दूसरे टारगेट्स पे भी काम करता है, इसी साइट से मिलता जुलता, इसी के जैसा मिलता जुलता अगर साइट है उस पे भी काम करता है। तो जैसे इसके केस में देखिए, जो सैल्बुटामोल या लिवोसाल्बुटामोल के केस में, कि ये बीटा 2 एगोनिस्ट बोलते हैं या बीटा 2 ओपनर बोलते हैं। ये क्या होता है कि थोड़ा बहुत लंग्स के थ्रू जो है ये ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ये बीटा 1 पे भी काम करता है। बीटा 1 कहाँ होता है, बीटा 2 तो लंग्स में होता है, बीटा 1 कहाँ होता है, बीटा 1 हार्ट में होता है। हार्ट में क्या करेगा, हार्ट के रेट को बढ़ा देगा, तो आपका धड़कन तेज हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, आप हो सकता है बोलेंगे कि पैल्पिटेशन हो रहा है, आपको धड़कन तेज हो गई है, तो ये एक साइड इफेक्ट इसका हो सकता है और होता है। और भी साइड इफेक्ट है बीटा एगोनिस्ट का, हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम जी पोटेशियम लेवल जो है इसको कम करता है, इसको हम ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। जब पोटेशियम देखते हैं कि बहुत बढ़ जाता है, तो के बाइंड सैसेट देते हैं, साथ में इंसुलिन भी चलाते हैं कम करने के लिए पोटेशियम, और उसको इन्हेलेशन भी देते हैं, किसका, बीटा एगोनिस्ट का, उससे भी पोटेशियम कम होता है। तो ये तो रही बात कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की इसके बीटा एगोनिस्ट के। दूसरा जो ग्रुप ऑफ दवा है जो हम देते हैं एक्यूट सीवियर अस्थमा में, वो है एंटीकोलिनर्जिक्स। और किस रूट से देते हैं, तो इनहेलेशनल रूट से देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स का नाम क्या है, तो एप्राटोपियम ब्रोमाइड है और टायाट्रोपियम ब्रोमाइड है। अब ये आप एग्जाम्पल आपको याद आ जाएगा कि आप जो देखते होंगे मीटर डोज इनहेलर या रोटा कैप
या रेस्प्यूल्स, उसमें डुअलिन नाम का एक रहता होगा। तो डुअलिन में देखिए दो चीज़ें रहती हैं, एक तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट सैलबुटामोल रहता है, और दूसरा आप देखिएगा जब आप पढ़िएगा उसके अंदर कंपोजिशन तो उसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड भी रहता है। तो ये जो होता है ये एंटीकोलिनर्जिक्स है, ये भी क्या करता है कि एयरवे को जो है ओपन करता है। जब एयरवे, खासकर याद रखिएगा कि लार्जर एयरवे को, मतलब ऊपर के तरफ जो हमारा श्वास नली का जो ऊपर के तरफ का जो रास्ता है इसको ओपन करता है। जब ऊपर वाला अच्छे से ओपन होगा तभी तो दवाइयां नीचे जाएगी, तो नीचे वाला भी ओपन होगा। तो इसीलिए जो है इसको हम मिक्सर के फॉर्म में भी यूज करते हैं, मतलब डुअलिन में जैसे मिक्सचर है कि ये सैलबुटामोल भी है और इप्राट्रोपियम भी है, या अलग से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इप्राट्रोपियम जो है ब्रोमाइड का जो है एक अलग से जो है, अगर MDI की बात करें, मीटर डोज इनहेलर आता है जो कि इप्राभेंट नाम से आता है, रेस्प्यूल्स भी आता है इप्राभेंट्स नाम से। इसीलिए इन दोनों दवाइयों को देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अगर हम एयरवे को ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो सैलबुटामोल है वो लोअर, मतलब नीचे के तरफ या स्मॉलर एयरवे को ओपन करता है, और लार्जर एयरवे को जो ओपन करता है वो होता है इनहेलेशनल एंटीकोलिनर्जिक्स। तो अगर हम एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं देंगे, तो अगर लार्जर एयरवे ही नहीं खुलेगा तो हमारा जो सैलबुटामोल या जो लिवोसैलबुटामोल हम जो दे रहे हैं वो नीचे तक जाएगा ही नहीं और स्मॉलर एयरवे को नहीं ओपन करेगा। इसीलिए बेटर है कि हम दोनों का जो है यूज करते हैं और जो है एयरवे ओपन होता है। तो ये जो है दवाइयां ये तुरंत आपको जो है रिलीफ देंगी, विद इन मिनट्स ये काम करता है। इसमें इप्राट्रोपियम जो है शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक है, और टायाट्रोपियम जो देखा गया है कि ये लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक है। अब लॉन्ग एक्टिंग जो एंटीकोलिनर्जिक्स है जो काफी देर तक जो काम करता है इसको कहां यूज करेंगे? तो अभी मैंने बोला कि दो तरह की दवाइयां होती है, रिलीवर और कंट्रोलर। रिलीवर का यूज है कि एक्यूट केस में बहुत जरूरी है, सांस में तकलीफ हो रही है, तुरंत यूज कीजिए, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है वो तुरंत काम करेगा, फास्ट एक्टिंग है। और जो कंट्रोलर है उसको आप डेली बेसिस पे लेते रहिए ताकि बीच बीच में जो है एपिसोड्स नहीं आए और एयरवे ओपन होके रहे। हालांकि जो है एंटीकोलिनर्जिक्स इसका भी अपना कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि ड्राई माउथ होता है, मुंह जो है काफ़ी सूख जाता है, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या यूरिनरी रिटेंशन। लेकिन इनहेलेशनल रूट से, जो भी दवा हम इनहेलेशनल रूट से ले रहे हैं, सांस मतलब लंग्स में जा रहा है, ब्लड में बहुत कम जाता है, तो ब्लड में अगर बहुत कम जाएगा तो साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। देखा है यूजुअली नेबुलाइजर बेटर रहता है, बट अगर आप घर में हैं तो बेटर है कि आप जो है पफ यूज कर सकते हैं विथ स्पेशर। स्पेशर के साथ फायदा ये है कि अगर आप नॉर्मली बिना स्पेशर के अगर आप पफ लेते हैं, मीटर डोज इनहेलर का मारते हैं और अंदर लेते हैं, तो बहुत स्पीड से जो है मिस्ट निकलता है, तो वो बहुत बार जम जाता है, वो आपके थ्रोट के पास या जीभ के पीछे जम जाता है। बट स्पेशर से फायदा होता है कि आप जब उसको मारिएगा तो वो स्पेशर में आएगा, और स्पेशर में मारने के बाद जो है स्पेशर में रहता है, फिर आपको एक ऑप्टिमम टाइम मिल जाता है अच्छे से उसको खींचने का। तो ये एक अच्छा रहता है आपका, मतलब एक आइडियल और ऑप्टिमम टाइम मिलता है कि हाँ दवा का अच्छा अंदर में जो है एंट्री अच्छे से होगा। नेक्स्ट जो दवा हम देते हैं एक्यूट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में, वो होता है सिस्टेमिक जो है स्टेरॉइड्स। अब इसमें देखिए कि इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स के बारे में तो बहुत जगह दिया रहता है, हालांकि हम लोग यूज भी करते हैं नेबुलाइजर में जो है, अगर डुअलिन यूज कर रहे हैं तो साथ में हम लोग फोराकॉर्ट या जो है बुडेकॉर्ट ये सब भी यूज करते हैं, जबकि डेट इज इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स। बट इसके रोल पे काफ़ी संदेह है कि जो इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स जो है कितना और कितना हद तक कारगर है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट ये क्लियर है कि अगर सिस्टेमिक दिया जाए, भले ही साइड इफेक्ट होगा, आप इंजेक्शन के फॉर्म में दीजिए या टैबलेट्स के फॉर्म में दीजिए, तो भले ही साइड इफेक्ट्स होगा, बट जो है इसका इफेक्ट देखा गया है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा ब्रोंकियल एक्यूट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में, आपका कारगर है। कैसे? क्योंकि स्टेरॉइड जो है एंटी इन्फ्लामेटरी है, हालांकि इसके जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि जैसे साबा जो है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या एंटीकोलिनर्जिक्स जो इतना मिनट्स में काम कर रहे थे, ये आवर्स लेता है, 2 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड अपॉन द कि कौन सा स्टेरॉइड्स आप लिए हैं। बट इसमें भी अब स्टेरॉइड जो चुनना होता है, कैसे चुनेंगे? तो शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड्स आप चुनिए। शॉर्ट एक्टिंग मतलब क्या है कि बहुत जल्दी जो है काम करे, क्योंकि अभी जो है हमारा इमरजेंसी कंडीशंस है। अब इस कंडीशंस में हमको ऐसा दवा देना है कि जो फास्ट ऑनसेट हो, थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी हो, ये सेलेक्ट करना है। तो इस कंडीशंस में बेटर हम लोग जो देते हैं वो है हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है उसका शॉर्ट हाफ लाइफ है और थोड़ा फास्ट एक्टिंग है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत पोटेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं बहुत बार कि
मीडियम वाला जो है मॉडरेट वाला पकड़ते हैं, जैसे कि जो है सोलोमेड्रोल जो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं, ये मीडियम में आता है, ना फास्ट एक्टिंग है ना स्लो एक्टिंग है, मीडियम में है। और दूसरा कि लेकिन ये पोटेंट है, हाइड्रोकोर्टिसोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो आप हाइड्रोकोर्टिसोन भी दे सकते हैं 100 मिलीग्राम स्ट्रेट करके, या सोलोमेड्रोल भी दे सकते हैं डेट इज मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं। बट एक्यूट केस में मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि जो आप डेक्सामिथासोन या बीटामिथासोन ये सब देने का, क्योंकि देखिए ये सब जो है इसका टी हाफ काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है या ऑनसेट ऑफ एक्शन है ये भी ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत देर तक भले ही परसिस्ट करता है, लेकिन अभी हमको टाइम काफ़ी कीमती है, अभी पेशेंट का हमको जान बचाना है, पेशेंट को जो तकलीफ है इसको रिलीफ करना है। इसीलिए बीटामिथासोन डेक्सामिथासोन नहीं देते हैं, आप मॉडरेट वाला दे सकते हैं, मतलब इंटरमीडिएट एक्टिंग स्टेरॉइड्स दे सकते हैं या शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जिसमें कि हाइड्रोकोर्टिसोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन ये आप दे सकते हैं। तो स्टेरॉइड करता क्या है कि स्टेरॉइड जो है जब हम देते हैं, हालांकि हम स्टेरॉइड तो पहले तो सैलबुटामोल देंगे, मतलब बीटा एगोनिस्ट देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स का इनहेलेशनल देते हैं ये दोनों का, उसके बाद स्टेरॉइड्स देते हैं। बट स्टेरॉइड्स जो है क्या करता है कि स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन कम करता है, डायरेक्ट जो है आपका ब्रोंको डायलेट नहीं करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन को ओपन नहीं करता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन कम करने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक कि वो दोनों दवा जो है आपका बहुत हद तक जान बचा देता है, ओपन कर देता है एयरवे को, तब तक आपको स्टेरॉइड्स को टाइम मिल जाता है। फिर स्टेरॉइड्स जब एक्शन में आ जाता है तो आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, सूजन कम हो जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन और जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये सबको जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो स्टेरॉइड्स इस तरीके से काम करता है। स्टेरॉइड्स जो है सिस्टेमिक रूट से दीजिए, या तो ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में दीजिए अगर खा सकता है पेशेंट, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उल्टी कर दे रहा है या बहुत पैनिक है पेशेंट, तो बेटर है कि आप इंजेक्शंस के फॉर्म में उसको दीजिए, क्योंकि सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स का प्रूवन रोल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर एस्थमा। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ दवा जो हम एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा में देते हैं वो है मिथाइल जैंथिन्स ग्रुप का। तो मिथाइल जैंथिन्स, हालांकि बहुत सारे लिटरेचर्स इसके अगेंस्ट में हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स जो है बोला जाता है कि ये देना चाहिए, काम अच्छा काम करता है, बट बहुत जगह बोला गया है और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर इन सब दवाइयों से काम नहीं हो रहा है, बीटा एगोनिस्ट से नहीं हो रहा है, एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं काम कर पा रहा है, स्टेरॉइड भी उतना इफेक्टिव नहीं है, काफ़ी दिनों से इनको जो है मतलब ब्रोंकियल एस्थमा की परेशानी है और ये एक्यूट अटैक आता रहता है, बॉडी यूज टू हो गया है, तो इस कंडीशंस में देखा गया है कि मिथाइल जैंथिन्स देना ज़्यादा मतलब कारगर रहता है। इसके अंदर आता है कैफीन, आता है थियोफाइलिन, आता है थियोब्रोमिन आता है। मेनली जो है कैफीन का यूज़ तो हम माइग्रेन में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्रेन का जो वेसल्स है, ब्रेन के अंदर जो वेसल्स हैं उसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, तो माइग्रेन में यूज़ कर लेते हैं। और थियोफाइलिन जो है हमारा देखा गया है कि जो खासकर जो है रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट में जो है ब्रोंकियोल्स और ये जो ब्रोंकाई ये सबको डायलेट करता है, इसका एक्शन है थियोफाइलिन का कि डायलेट करता है, तो इसीलिए थियोफाइलिन को हम यहाँ पे मेनली यूज करते हैं, थियोब्रोमिन को नहीं या कैफीन को भी नहीं, सिर्फ थियोफाइलिन को करते हैं। अब थियोफाइलिन जो कंपाउंड है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेज आते हैं थोड़े बहुत, तो फिर अलग अलग चीज़ें बनती हैं। जैसे थियोफाइलिन टैबलेट के फॉर्म में आता है, अगर हम इंजेक्टेबल फॉर्म खोजेंगे अगर थियोफाइलिन की तरह यूज़ करने के लिए तो वो अमाइनोफाइलिन होता है, उसमें थोड़ा और चेंजेज आया तो इटोफाइलिन होता है। थियोफाइलिन और इटोफाइलिन दोनों को मिला के एक पर्टिकुलर परसेंटेज में कंपोजिशन में तो वो बन जाता है डेरीफाइलिन बन जाता है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, ओवरऑल जो है सब तो थियोफाइलिन के आसपास ही रिवॉल्व कर रहा है, तो कैसे काम करता है, तो एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइस्टरेज, उसी पे ये काम करता है, इनहिबिट करता है, जिसके चलते जो है जो रिलैक्सेशन होता है मसल्स का और ये डायलेट करता है, इस तरह से थियोफाइलिन काम करता है। हालांकि थियोफाइलिन का जो है और भी बहुत सारे ऑर्गन्स पे असर है, जैसे कि पेट पे भी उसका बहुत असर है, पेट में वो गैस्ट्रिक अपसेट कर देगा, अल्सर है तो अल्सर को बढ़ा देगा, और अगर हम बात करें हार्ट पे भी असर है, हार्ट में जो है हार्ट का रिदम एबनॉर्मल कर सकता है, टैकीकार्डिया कर देगा, एरिथमिया कर सकता है, ब्रेन पे भी उसका असर है, जो आदमी को ऑलरेडी सीजर डिसऑर्डर है या मिर्गी की दवा लेते हैं उसको जनरली थियोफाइलिन ये सब नहीं देते हैं। और थियोफाइलिन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एक बहुत नैरो थेरापूटिक इंडेक्स है, मतलब एक नैरो रेंज रहता है इसका ब्लड में, इससे ज़्यादा होगा इससे कम होगा तो काम ही नहीं करेगा, और इससे ज़्यादा होगा तो इसमें साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, इसीलिए ये जो है दवा जो है यूजुअली बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं ये मिथाइल जैंथिन्स ग्रुप की दवा, क्योंकि सब लोग टॉलरेट नहीं कर सकता। बट इसकी टॉलरेबिलिटी तब बढ़ी जब इसका और न्यूअर फिल्टर्ड प्रोडक्ट आना शुरू हुआ, जैसे कि इसका और फिल्टर्ड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि है थियोफाइलिन ही ग्रुप की जो दवा है इसी का थोड़ा फिल्टर्ड फॉर्म में अगर आ जाता है तो डॉक्सोफाइलिन होता है, हालांकि काम मोर और लेस इसी के तरह करता है, ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है, बट साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे एसिब्रोफाइलिन है, एसिब्रोफाइलिन क्या है, उसमें भी जो है जैसे कि एसिब्रोफाइलिन जो एसिब्रोबिडकर से आता है,
उसमें भी क्या है, थियोफाइलिन है और साथ में जो है एम्ब्रोक्सोल है। मेनली गलती कहां होती है लोगों से कि उनको एक्यूट अटैक आया है ब्रोंकियल अस्थमा का और उनको जो दवा दिया गया था क्रोनिक यूज के लिए या मेंटेनेंस जो दवाइयां होती हैं या कंट्रोलर दवाइयां होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए दिया गया है और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं जब एक्यूट अटैक आता है। मान लीजिए कि आपको एक्यूट अटैक आया और आपको दिया गया है इनहेलर लेने के लिए बुडेकॉट या फोराकॉट एरोकॉट और आप ये सब लेना शुरू कर देते हैं तो ये सबसे फ़ायदा नहीं होगा उस कंडीशंस में, क्योंकि एक्यूट कंडीशंस में आपको ऐसी ही दवा फायदे करेगी जो दवा का जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत जल्दी होता है, शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शंस और बहुत जो है फास्ट रैपिड काम करे और साथ में जो है काफ़ी पोटेंट हो। तो आपको जो दवाइयाँ दी जाती हैं रेगुलर यूज के लिए, हालांकि आपके डॉक्टर्स उसमें आपको ज़रूर बता देते हैं कि ये दवाइयाँ जो है जब तकलीफ होगी, जैसे कि डुओलिन है, डुओलिन दिया जाता है और बुडेकॉट या फोराकॉट दिया जाता है, तो डुओलिन के साथ आपको बोल दिया जाता है कि ये दवाइयाँ अगर काफ़ी तकलीफ हुई तो तुरंत जो है रिलीफ करने में ये काम आएगा और इसको जो है आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेली लेते रहिए ताकि ऐसी नौबत बहुत कम आए कि आपको जो है ये वाली दवाइयाँ लेनी पड़े। तो ये जो है एक तरह से बोले कंट्रोलर ड्रग्स हो गई और ये रिलीफ के लिए हो गया, रिलीवर ड्रग्स हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी तकलीफ होगी और ये कंट्रोलर ड्रग्स मतलब जो भी दवा थियोफाइलिन मिला है, डॉक्सोफाइलिन मिला है, एसिब्रोफाइलिन मिला है आपको या स्टेरॉइड्स का टैबलेट है या जो भी है आपको इन्हेलर मिला है, ये सब जो है लॉन्ग एक्टिंग इन्हेलर आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये सबसे आपको उतना जल्दी राहत नहीं मिलेगा, तकलीफ बढ़ता चल जाएगा, फिर हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना पड़ जाएगा। तो आपको उसमें ज़रूर आप अपने डॉक्टर से पूछ ले कि डॉक्टर साहब अगर मुझे एक्यूट कंडीशन आया, मतलब सडन तकलीफ बढ़ना शुरू हो गया, चोकिंग जैसा होने लगा सांस में, मतलब एक्यूट अटैक में हम कौन सा दवा लेंगे, तो वो आपको बता देंगे। या आपको ये भी सलाह दिया जाएगा, डॉक्टर्स ये भी सलाह देंगे कि आप घर में एक नेबुलाइजर मशीन खरीद के रखिए और रेस्पिल्स कुछ जो है स्टॉक में रखिए उसको, ताकि जब आपको तकलीफ हो या कंडीशन बिगड़े या एक्यूट अटैक आए तो नेबुलाइजर के थ्रू जो है आप इसको तोड़ के लिक्विड को आप यूज कर सकते हैं ताकि इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।